देवउठनी एकादशी के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चार माह विश्राम करने के पश्चात प्रभु श्री हरि निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी या देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार देव उठनी जो एकादशी है वो 19 नवंबर 2018 सोमवार के दिन है, और इस दिन आपको कुछ ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे प्रभु को कष्ट हो। इसलिए हम आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहे हैं कि इन कामों से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके जीवन में कुछ परेशानियां कुछ कठिनाइयां उत्पन्न भी हो सकती है। इसलिए यदि आप सावधानी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एकादशी का पर्व श्री हरि विष्णु और उनके अवतारों के पूजन का पर्व है। श्री हरि की उपासना की सबसे अद्भुत एकादशी कार्तिक महीने की एकादशी होती है, जब श्री हरि जागते हैं। इसी दिन वह अपनी प्रिय तुलसी से विवाह भी करते हैं, और इस दिन आप जो है भगवान की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें, विधि विधान से जो है उनका अर्चन करें। साथ ही इस दिन आपको प्रभु की भक्ति करना चाहिए और इन कामों को करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से व्यक्ति का मन चंचल होता है और प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता है। इसलिए एकादशी, कोई भी एकादशी हो, चावल एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, या चावल से जो भी वस्तुएं बनती है वो भी एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो भी, या व्रत नहीं करते हैं तो भी, आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दूसरा कार्य है, देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से पत्ती या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप पत्ते या फूल तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। देवउठनी एकादशी के दिन आपको किसी भी स्थिति में किसी भी पेड़ के पत्ते या फूल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आप उपवास करें या न करें, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन संयम रखना आवश्यक रहता है, तो इस दिन विशेष इसका ध्यान रखें। एकादशी के दिन किसी से भी झूठ न बोले, इससे पाप लगता है। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है और दूषित भक्ति से पूजा नहीं की जाती है। एकादशी के दिन भूल कर भी किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, क्रोध भी न करें। एकादशी के दिन पृथ्वी पर सोना चाहिए, बिस्तर पर चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन आपको अभक्ष भक्षण जैसे मांस मदिरा प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन आपको जो है भोजन आदि जो भी करना है वो प्रभु को भोग लगा करके ही ग्रहण करना चाहिए, और बिना नहाए धोए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो भी, और व्रत नहीं करते हैं तो भी, बिना नहाए आपको किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप शुद्धता पूर्वक सबसे पहले भोजन तैयार करें और प्रभु को भोग लगा करके उनका पूजन अर्चन करें, उसके बाद भोग स्वयं ग्रहण करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। वैसे नहीं भी आप रखते हैं तो भी आप जो है भगवान श्री हरि नारायण का उस दिन पूजन अर्चन करें। शाम की सायंकाल के समय घर में जैसे हम दीपावली के दिन दीपक लगाते हैं, उसी प्रकार दीपक जलाना चाहिए, और घर के प्रमुख स्थानों पर सभी जगह दीपक जलाने चाहिए। इसी के साथ आपको तुलसी जी के पास में अर्थात तुलसी जी का गमला रख करके एक गन्ने का मंडप तैयार करवाना चाहिए। 5 गन्ने ला करके गन्ने का मंडप तैयार करें और उसके नीचे भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी या विष्णु भगवान को स्थापित करके उनके साथ वृंदा अर्थात तुलसी जी को स्थापित करके उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके तुलसी शालिग्राम का विवाह इस दिन संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और जन्म जन्मांतर के हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और
घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।